भाजपा के संस्थापक चेहरों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की है। तो चलिए आज आपको लालकृष्ण आडवाणी के जीवन से जुड़ी एक खास प्रसंग के बारे में बताते हैं, जिसमें एक मुस्लिम आईएएस अफसर ने उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 से। दरअसल साल 1980 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। तब आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई थी। 10 साल बाद 1990 के करीब देश ने हिंदुत्व की राजनीति में विस्तार लेना शुरू किया था। जनसंघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले आडवाणी ने रथ यात्रा के जरिए राम मंदिर के पक्ष में आवाज बुलंद की थी। उन्होंने सोमनाथ से राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की थी। सोमनाथ से यह रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को निकाली गई। आडवाणी का रथ जिस भी राज्य, शहर और गांव से निकला, वहां पर उस पर फूलों की बारिश की गई। बता दें कि सोमनाथ से निकलने वाली इस रथ यात्रा को विभिन्न राज्यों से होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। हालांकि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने इस रथ यात्रा को रोक दिया था। उन्होंने आडवाणी को हिरासत में लेकर दिल्ली भिजवा दिया। लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा के समय आईएएस अफसर अफजल अमानुल्लाह धनबाद के डीएम थे। बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव के आदेश के बावजूद उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। 19 अक्टूबर को आडवाणी धनबाद रवाना हुए, जहां से उन्होंने दूसरा चरण शुरू किया। वहां से अयोध्या पहुंचकर वो 30 अक्टूबर को राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू कराना चाहते थे। तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी। उन्होंने धनबाद के डीएम अफजल अमानुल्लाह को निर्देश दिया कि वो आडवाणी को वहीं गिरफ्तार कर लें। प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी वारंट तैयार करके अफसरों को सौंप दिया, लेकिन अमानुल्लाह ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। जर्नलिस्ट लव कुमार मिश्रा बताते हैं कि आडवाणी जब राम रथ लेकर धनबाद पहुंचे तो उनको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी वहां के तत्कालीन डीसी अफजल अमानुल्लाह को दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। अगर कोई मुस्लिम अफसर गिरफ्तार करता तो पॉलिटिक्स बरी हो जाती। इसका फायदा पॉलिटिकली लालू यादव को तो मिल जाता, लेकिन सांप्रदायिक तनाव को कंट्रोल कर पाना बड़ी चुनौती होती। दरअसल मुस्लिम अफसर अफजल अमानुल्लाह 1990 में बाबरी मस्जिद आंदोलन संयोजन समिति के संयोजक रहे सैयद शहाबुद्दीन के दामाद लगते थे। बता दें कि मुस्लिम आईएएस अफसर गिरफ्तारी के बाद होने वाले बवाल को पहले ही भाप गए थे, इसलिए उन्होंने धनबाद में ऐसी किसी कार्रवाई को करने से पहले ही मना कर दिया था। गिरफ्तारी नहीं होने से आडवाणी की रामरथ यात्रा धनबाद के बाद पटना होते हुए समस्तीपुर पहुंच गई। यात्रा को कवर करने वाले पत्रकार लव कुमार मिश्रा बताते हैं कि जब लालकृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में आराम कर रहे थे, तब सीएम लालू यादव अपने आवास में 3-4 घनिष्ठ मित्रों के साथ बैठे हुए थे। इस दौरान लालू के एक पत्रकार मित्र ने आइडिया दिया कि आडवाणी उत्तर प्रदेश निकल गए तो मुलायम सिंह यादव उनकी गिरफ्तारी कर हीरो बन जाएंगे। यह बात लालू को स्ट्राइक कर गई। लालू यादव ने फटाक से प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को फोन लगा दिया, पूरी घटना बताई और रातों रात रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आरके सिंह आईएएस और आईपीएस रामेश्वर उनाव को पटना से आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए समस्तीपुर भेज दिया। दोनों ऑफिसर हेलीकॉप्टर से समस्तीपुर के पटेल मैदान पहुंचे। इसके बाद रात 1:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से दुमका के मसानजोर डैम ले जाकर गेस्ट हाउस पहुंचा दिया गया। गेस्ट हाउस को आडवाणी के लिए अस्थायी जेल बना दिया गया था। लोकल बुलेटिन के लिए पटना से उद्धव कृष्ण की रिपोर्ट।